एवरीवन, तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा ये सेटअप कैसा लग रहा है। चलो फालतू की बात साइड में करते हैं, लॉन्ग वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है। आप इस वाली वीडियो में क्या करना, आप ध्यान से जो भी आपको रिक्वायरमेंट लग रही है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। देन उसके बाद मैं फुल कोशिश करूंगा वो जल्द से जल्द बनाने की। हाँ, कोशिश ही करूंगा, हमेशा कोशिश ही करूंगा, डेफिनेटली नहीं हो सकता। उस दिन आपको पता चल जाए किस दिन वीडियो आने वाली है, वो एक दो दिन पहले मैं बता दूंगा। मेन टॉपिक पे आते हैं। पीडब्ल्यू ने AITS मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने तो यही दी थी, मैंने नीट 2023 का दिया था एग्जाम, लेकिन वही है मैंने ज्वाइन की थी अप्रैल मंथ में। काफी लोगों के क्वेश्चन थे, ये मैंने शॉर्ट में बता भी दिया था, लेकिन चलो फिर से। तो इसका क्या प्राइस है और रियल टेस्ट के कंपेयर में ये कैसी है, तो कंपैरिजन के लिए यदि आपको परफेक्ट कंपैरिजन चाहिए तो आप एक बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ कि जो रियल टेस्ट था उसमें शायद 6 ऑफलाइन टेस्ट थे जो कि एग्जैक्ट नीट के जैसे फील दे रहे थे। एग्जैक्ट यानी आपको किसी पर्टिकुलर सेंटर पे देते हो, जैसे होते ना स्कूल्स वगैरह में आपके सेंटर मिलते हैं नीट के लिए, तो प्रोसेस सेम थी बिल्कुल नीट के जैसे। अब इस वाले AITS में क्या होगा, आपको विद्यापीठ या पाठशाला में जाना पड़ेगा पीडब्ल्यू की, जहां जहां अवेलेबल होगी ऑफलाइन के सेंटर में। तो ऑफलाइन सेंटर एक क्लास होगा जिसमें आप टेस्ट दे रहे होंगे। मैं अपनी करता हूँ, देखो कुछ हमारे टेस्ट विद्यापीठ में हुए थे, देन कुछ ऐसे ही हुए थे आउटसाइड। तो विद्यापीठ में ये होता था क्लास में जाके देने होते थे, मैंने एक महीने ज्वाइन की थी, तो उसी वाली वही बात कर रहा हूँ मैं। तो इंदौर में गया था मैं एक महीने के लिए, भैया एक महीने के लिए। तो वहां पे मैंने तीन से चार टेस्ट शायद उस विद्यापीठ में दिए थे, और तीन से चार शायद आउटसाइड दिए थे। उन्होंने पर्टिकुलर सेंटर पता चल जाता था कि कहाँ पे है, ठीक है। तो वो वाली फीस चाहिए तो आपको रियल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। रियल टेस्ट में क्या शायद 5,000 फीस थी उसकी और 6 टेस्ट थे ऑफलाइन। इस वाले में मेरे को सही लगा, लिटरली ये वाली सही लगी। लास्ट वाले में तो मेरा ओपिनियन था कि इसकी कुछ सिर्फ और सिर्फ रियल टेस्ट होने चाहिए 6, और उसके प्राइस कम हो जाने चाहिए, मेरा जस्ट सजेशन था। एंड ये वाले के प्राइस ठीक ठाक है भाई, 4,000 रुपए हैं फॉर 12th क्लास एंड ड्रॉपर्स। इसमें शायद क्या कन्फर्म बता रहा हूँ, इसमें 12th क्लास वालों के लिए 17 ऑफलाइन टेस्ट हैं 17, एंड ड्रॉपर वालों के लिए 16, और अर्जुना वालों की शायद फी 2,500 है और उनके टेस्ट थोड़ा कम है 11 के लगभग है। तो ध्यान से समझ आ गया होगा आपको। इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाली सही है क्योंकि इसमें आपको 16 से 17 टेस्ट देने को मिल रहे हैं 4,000 रुपीज में, तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें देखो एक फायदा ये मिल जाएगा आपको, जिसने सिर्फ ऑनलाइन दिए हैं टेस्ट अभी तक, और मान लो लास्ट ईयर उसने दिया था, तो उसे लगा था ऐसा कि अगर मैं ऑफलाइन देता तो ये गलतियां नहीं होती। यहाँ भी आपको प्रॉपर वो फील तो आ ही रही होगी, जैसा कि हर ऑफलाइन कोचिंग करवाती वैसी ही है ये इसमें। लेकिन है ना, वो फायदा है कि आप 16 से 17 टेस्ट दे सकते हो, जिसमें आप अपनी गलतियां हर टेस्ट में एनालाइज कर रहे होंगे। शुरू में पार्ट टेस्ट होंगे, पार्ट टेस्ट की क्यों जरूरी होते हैं, पार्ट टेस्ट आपको आपके जो चैप्टर होते हैं वीक चैप्टर वो बता देते हैं, उसमें से वीक टॉपिक। अब जो पूरा सिलेबस होता है उसमें क्या है, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आपको पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि एक दो टॉपिक से ही आएंगे कि क्या वीक है क्या आपके लिए नहीं बना है, कि क्या कहां आपका कौन सा पोर्शन वीक पड़ गया है, ये आप उसमें पता नहीं कर सकते फुल सिलेबस में। सो बस ये ध्यान रखना, आपको शेड्यूल देखना हो तो उनके वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं कोई प्रमोशन नहीं करता। मैं तो जस्ट पिछले वाला जब मैं रियल टेस्ट का सजेशन दिया था, तो इस बार भी मुझे लगा कि अब देखो जो चीज में लगा कि हाँ कम होने चाहिए प्राइस, तो वो मैंने सजेस्ट किया था जस्ट, नहीं हुए तो क्या कर सकता हूँ। इस बारे मेरे को लगा कि इसके प्राइस ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा है। तो आप लोग देखो बेसिकली मेरे से ज्यादा पीडब्ल्यू वाले स्टूडेंट से जुड़े हैं, तो जस्ट मैं इन्फॉर्म करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब पूरा डिपेंड करता है, आपको ज्वाइन नहीं करना है करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्वाइन करनी है तभी जाके सिलेक्शन होगा, मैं कोई नहीं कहने वाला, क्योंकि इस बार तो मतलब मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले भी कई लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दिए घर पे या फिर प्रिंट आउट निकलवा के टेस्ट दिए हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट बताया था जिसके 651 मार्क्स थे, उसने तो सिर्फ और सिर्फ मतलब उसकी पर्सनल बात हुई मेरे से, तो उसने सिर्फ प्रिंट आउट की हुए टेस्ट दिए थे, एक भी ऑफलाइन नहीं दिया है। हाँ, रियल टेस्ट उसने दिया था, रियल टेस्ट उसने दिया था जो हुआ था ना लास्ट ईयर करवाया था पीडब्ल्यू वाला, वो उसने दिया था। एक बहुत बढ़िया होता है यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरा ये कि ट्रैवलिंग टाइम बहुत जा रहा है आपका, मतलब पूरा पूरा दिन लग जा रहा है, तो ये तो कोई सेंस नहीं हुआ, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं आपको नहीं करना है, खासकर लास्ट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ट्राई करना कि आपके लिए फिर यही बेटर ऑप्शन रहेगा प्रिंट आउट निकलवा के, जो AITS देखो ऑनलाइन ऑफलाइन शायद सेम पेपर होने वाले हैं, तो वो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए घर पे दे दीजिए वही एनवायरमेंट बना के। हाँ, ऑप्शन है तो गो फॉर ऑफलाइन, यदि आपके पास ऑप्शन है तो आपको ऑफलाइन ही जाना चाहिए क्योंकि आपका नीट ऑफलाइन होता है। ऑप्शन नहीं है तब आप
कोई ये वीडियोस ये टेस्ट वगैरह की कुछ देखना ही नहीं है आपके लिए, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है आपका ऑनलाइन टेस्ट और आपको प्रिंट आउट करवाने वाला, तो आप ये कर सकते हो। ये मत सोचना कि यदि ऑफलाइन नहीं गया तो होगा ही नहीं सिलेक्शन, ये तो वो बात होगी कि नहीं जो आपके पास है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो बेस्ट है। ऑप्शन है गो फॉर इट, जिसके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों टेस्ट रिजेक्ट है तो कर रहा हूँ दोनों लो, क्योंकि रियल टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल नीट जैसा कि आप एडमिट कार्ड ले रहे हो, इन्विजिलेटर आ रहे हैं, 15 से 20 मिनट उसमें जा रहे हैं, पूरी प्रॉपर फील आएगी। लेकिन आपको सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो ये बेटर रहेगी। इसमें 16 आपके ड्रॉपर के लिए और 17 आपके ट्वेल्थ वालों के लिए टेस्ट, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट सही है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन तो आपके लिए जो मैंने बताया प्रिंट आउट निकलवाओ और आपके जो ऑनलाइन टेस्ट है वो दो, वही बेस्ट है। इसमें मत रहो कि ये ज्वाइन नहीं कर पाए, ये ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि एक टाइम वो था जब लोग बोलते थे कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन से सिलेक्शन होते हैं ऑफलाइन कोचिंग जाने से, लेकिन आज की डेट में ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन ही पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं। तो वो चीज़ थी ना जब ऑनलाइन वाला स्टूडेंट सोचता था कि भाई ऑफलाइन पढ़ के ही होगा ये वो, लेकिन ऑनलाइन वाले अब देखो कितने सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही आप यदि ऑनलाइन टेस्ट दोगे या फिर प्रिंट आउट निकलवा के दोगे तब भी आप सिलेक्शन के पास जाओगे, आपके तो बस स्कोर अच्छा आना चाहिए ना, मेन वो है। आपके घर पे भी 650 आ रहे हैं टेस्ट में तो बहुत बढ़िया बात है, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि आप ऑफलाइन टेस्ट जब तक नहीं ज्वाइन करोगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 600-650 जब स्कोर कर रहे होगे टेस्ट में अपने 670-680 तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस वो लेके जाना आप पेपर में, मेन होता है कॉन्फिडेंस। कम नहीं आ रहे, 300-250 नंबर आ रहे हैं आपके, मैं तो कहूँ ऑफलाइन जाके आ रहे हैं तब तो और ज्यादा आप डिमोटिवेट होगे। और टेस्ट से जितना हो सके शुरू के टेस्ट जो होंगे जैन फेब मार्च तो इनमें आपको सीखना है ज्यादा से ज्यादा। इसमें आपको ये नहीं कि 400 नंबर आ गए 350-300 तो बैठ गए रोके, नहीं, इसमें आपको चीजें सीखनी है, क्या गलती हुई क्या नोट डाउन करनी है वो समझना है। तो आई थिंक मतलब जो डाउट इसमें देखो डाउट तो कुछ था ही नहीं, ये जस्ट मैंने इन्फॉर्म किया कि ये टेस्ट सीरीज है। इसका भी यदि आपको कंपैरिजन चाहिए कि रियल टेस्ट ज्वाइन करें या AITS ज्वाइन करें किसी और कोचिंग की तो बता देना आप, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।